ओम सभी को शुभ नमस्ते सजनों, आज हम बात कर रहे हैं सुखासन की। सुखासन वो आसन है सजनों जिसमें आम भारतीय, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, सबको ही बैठना आना चाहिए। ये आसन जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, यानी कि आलती पालती या चौकड़ी लगाना जिसे बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की इस आसन में बैठना बहुत समस्या हो जाती है, उनको चुनौती जैसा लगता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इस आसन में जो नहीं बैठ पाते वो लोग होते हैं, एक तो जो आजकल वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, दिन भर कुर्सी पे बैठते हैं और फिर उसके बाद शाम को या प्रातःकाल शौच इत्यादि के लिए जाते हैं, जब तब भी वेस्टर्न सीट ही इस्तेमाल करते हैं, तो घुटने मुड़ते नहीं कभी भी, वो कुर्सी जैसी मुद्रा में ही रहते हैं दिन भर। तो वो एक बहुत बड़ा इसमें कारण है, इसलिए हमें आलती पालती लगाना आना ही चाहिए, ये सुखासन आना ही चाहिए। सब हर माता पिता का दायित्व और कर्तव्य बनता है कि छोटे बच्चों को बचपन से ही इस आसन में बैठाना चाहिए, क्योंकि किसी भी सभा में, किसी भी उत्सव में, किसी भी खास प्रोग्राम में, किसी भी बैठक में, किसी भी समारोह में हम इस आसन में बैठते हैं, तो ये एक सभ्य आसन भी है समाज में बैठने का। एक सभ्य समाज के अंदर हमें जो जगह दिलाने के लिए आसन बहुत अच्छा होता, नहीं तो हम कोई कुर्सी लेंगे, बाकी सारा समाज धरती पे बैठा है और हमें कुर्सी चाहिए क्योंकि बैठ नहीं पाते आलती पालती में। तो ये आसन मुख्य है, इसलिए आप इस आसन को अपना करने के लिए, इसमें सुखद स्थिति लाने के लिए क्या क्या करें वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिनसे इस आसन में नहीं बैठा जाता ऐसे भाई बहनों के लिए। तो सर्वप्रथम तो आप इसमें ये एक पैर की बटरफ्लाई करें, ऐसे ऐसे ये पैर को थाई के ऊपर रख लिया ऐसे, और इसको ऐसे ऐसे चलाएं, ये जमीन पर लगाने की कोशिश, गद्दे पर लगाने की कोशिश इस तरह घुटने को, और इसको 20 30 50 बार जितना करें और 100 बार करें कोई नुकसान नहीं होगा। फिर इसको दूसरे पैर से करें ऐसे ही, और ये रखा बिल्कुल जगह के ऊपर, टॉप पे रखना पैर को, या नीचे नहीं रखना, ढलान पे नहीं रखना, ऊपर टॉप पे रखा और ऐसे ऐसे चलाएं। हाँ, प्रारंभ में किसी को यदि दिक्कत आए तो थोड़ा अंदर ढलान की तरफ ऐसे रख लेंगे, थोड़ा सुखद हो जाएगा आपको। जिनको इस आसन को लगाने में दिक्कत आती है उनके लिए बता रहा हूं मैं। ये एक पैर की बटरफ्लाई की, फिर दोनों पैर की बटरफ्लाई की ऐसे, और हल्का हल्का ऐसे प्रेशर भी दे सकते हैं, लेकिन कमर सीधी होनी चाहिए। इसके अलावा आप बैठ करके मरकट आसन करें तो कैसे होगा सजनों? देखिए, ये पैर यहां लिया, मोड़ लिया एक पैर को अंदर, इस घुटने को मोड़ा और ये यहां खड़ा किया, यहां खड़ा करके इसको ऐसे ऐसे मोड़ना है ऐसे। ये देखिए, लेट के मरकट आसन करते हैं, लेकिन ये आपको आलती पालती लगाने में बहुत मदद करेगा। मैंने ऐसे कितने ही बच्चों को, जिनकी नहीं लग पाती थी, कुछ बड़े भाई बहनों की भी, और यहां तक कि कुछ 50 पार वालों की भी मैंने आलती पालती लगवाई है। तो इसको ऐसे ऐसे आप 10 15 बार, 20 बार, 30 बार, ज्यादा तो कोई कितना करे कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे आपको कोई हानि नहीं होगी। अब इसको दूसरे पैर से करें, ये पैर ऐसे मोड़ लिया, ये यहां घुटना क्रॉस किया, ये हाथ से सहारा ले लिया, इस हाथ से घुटने को हल्का हल्का ऐसे दबाना है, ये तो ये सारा खींचेगा और आपका जो भारतीय आसन है, भारतीय मैं इसलिए कह रहा हूं, आप सोचेंगे कि ऐसे तो पूरे विश्व के लोग बैठते होंगे, नहीं, मेरे पास बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं अनेक संस्थाओं के माध्यम से, जिनमें जीवा आयुर्वेदा भी एक मुख्य संस्थान है, उसके माध्यम से मेरे पास लगभग 50-60 देशों के लोग आ चुके। तो जो फॉरेनर्स आते हैं, जो विदेशी आते हैं, वो उपरू बैठ नहीं पाते ढंग से, क्योंकि उनको इंग्लिश सीट पे जाने की आदत होती है, वैसे दिन भर कहीं बैठते नहीं, कुर्सी पे बैठते हैं, और इसके अलावा वो आलती पालती नहीं लगा पाते। यदि उनको आलती पालती लगाने की बात कह दी जाए
तो वो ऐसे बैठते हैं, ऐसे ऐसे उनके घुटने रहते हैं, इस तरह नहीं सुखद आसन में आ पाते वो। तो हम ये कर रहे थे, इधर से करिए ऐसे ऐसे, ये खींचिए और आपकी बहुत जल्दी आलती पालती लगने लग जाएगी, आपके प्यारे प्यारे बेटे बेटियों की जिनकी नहीं लग पाती। बस ये चार पांच आसन है, ज्यादा लंबा नहीं कोर्स दे रहा आपको, ये हो गया। इसके पश्चात ये आप करेंगे वक्रासन। देखिए ये पैर मोड़ा और यहां से क्रॉस कर लेंगे, वैसे वक्रासन में पैर यही रहता है पर क्योंकि हमने आलती पालती लगानी, यहां किया और ये घुटना ऐसे दबाना है कोहनी से और ऐसे घूम जाओ, धीरे से वापसी किया, ऐसे ही दूसरे पैर से करना है, पैर क्रॉस करना है इसमें ये, और ये हाथ से ऐसे दबाती है, श्वास सामान्य चलने देना है। इसके पश्चात आप इसको करेंगे, ये है अर्ध मत्स्येन्द्रासन। ये पैर मोड़ा, ये यहां खड़ा कर दिया, ये कोहनी मोड़ी, ये यहां से ऐसे और ये सारा खींच रहा है, तो हमारा ये जो जकड़ा हुआ हिस्सा है वो वापस इधर जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपकी आलती पालती चौकड़ी और सुखासन आराम से हो जाएगा। धीरे से वापसी, तो मात्र कुछ दिन के अभ्यास से ही आपको लाभ मिल जाएगा। ये धीरे से वापस किया और अब ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे इसको, ये पैर यहां रखा और ये विपरीत हाथ यहां से ऐसे घुटना पार करके, ये हमने किया अर्ध मत्स्येन्द्रासन। तो देखिए ये सारा खींच रहा है, जितना इसको हम खींचेंगे इधर उतना ही आलती पालती अच्छी लगने लग जाएगी, ये सुखद आसन हमारा हो जाएगा, ये दोनों तरफ से हो गया। इसके पश्चात आप करेंगे गोमुख आसन। तो देखिए ये दोनों घुटने ऐसे नजदीक लाने हैं, दोनों पैरों की एड़ियां दोनों कूल्हों से लग जाएंगी, पंजे बाहर की तरफ ऐसे मुड़े हुए रहेंगे, कोहनियां ये हाथों के दबाव से घुटने और मिला देंगे, तो पीछे से कमर खिंच गई सारी, ये कूल्हे खिंच गए, ये जंघाएं खिंच गई और इनका गैप कम होने से और आपका बहुत अच्छा से ये सुखद आसन होने लगेगा। इसमें आप ऐसे दबा दीजिए, ये और खिंचाव बढ़ जाएगा, सारे मसल्स आपके खिंच रही है। और इसके पश्चात ये गोमुख आसन पूरा तो ऐसे होगा, मैं तो केवल इस सुख आसन के लिए कर रहा हूं, तो पैरों का करना है अभ्यास। अब इसको ऐसे ही दूसरे पैर से करना है, ये देखिए ये क्रॉस किया दोनों घुटने, ये यहां से और ये यहां से ऐसे दबाना है, और जितना दबाएंगे, जितना इधर दबाएंगे यानी कि सीने से और पेट से भी थाई को दबाना है, तो ये और अच्छा खिंचाव आने से और आपका सुखद आसन सुखपूर्वक हो जाएगा, जो कि बहुत आवश्यक है। मेरे पास कई सारे भाई बहन ऐसे आते हैं, अब कोई बच्चों को लेके आते हैं कि हमारे बच्चों की आलती पालती लगती, गुरु जी इनकी आलती पालती लगवाने का कोई तरीका बताओ, कई बड़ों को दिक्कत आती है। उस आधार पे मैंने सोचा क्यों ना ये जर्नल, क्योंकि देश में बहुत सारे लोगों को, भाई बहनों को ऐसी समस्या हो सकती है, तो आपकी ये समस्या दूर हो जाए और आप एक सम्मानजनक आसन में सुखद स्थिति में बैठ पाए, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। और आपको ये मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ इसीलिए कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस भारतीय स्वाभिमान भरे और जो हमारा सम्मान भरा आसन है उसमें आप बैठ सके, सुखद बैठ स्थिति महसूस कर सके। ये ध्यान का भी आसन है, ये ज्ञान का भी आसन है, पढ़ाई लिखाई भी इस आसन में होती है और इसमें हम सभा भी जो है सभाओं में भी सम्मिलित होते हैं, सम्मान पाते हैं, तो इस आसन में आना ही चाहिए हमें बैठना। इसलिए आपने वीडियो को ध्यान से सुना, मैं आशा करता हूं आप इसको व्यवहार में लाएंगे अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। और हाँ एक आसन और छूट गया, सॉरी, उकड़ू आसन में आप अवश्य बैठा करें। ये उकड़ू तो जिनके घरों में शौचालय हिंदी है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके इंग्लिश है वो उकड़ू आसन में अवश्य बैठा करें। उकड़ू आसन से पेट भिचेगा और आपकी जो कब्ज इत्यादि की समस्या नहीं रहेगी, कब्ज होगा तो हमें बहुत सारे लोग होंगे,
आपने वीडियो ध्यानपूर्वक सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्ते।